हेलो फ्रेंड्स, ए स्माइलिंग ट्यूबर पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की, यानी कि अगर आप कोई सामान खरीदते हैं या कोई सर्विस लेते हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम या परेशानी होती है तो आप इसकी कहां और कैसे शिकायत कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि कंज्यूमर फॉर्म होता क्या है। यह एक सरकारी संस्था है जहाँ सेलर और सप्लायर, यानी जिससे आपने सामान खरीदा है या कोई सर्विस ली है, उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। इसे कंज्यूमर कोर्ट भी कहा जाता है। अगर कोई दुकानदार कंपनी आपसे धोखाधड़ी करती है या गलत सामान बेचती है या ज़्यादा पैसे वसूलती है तो आप उसके खिलाफ़ कंज्यूमर कोर्ट में केस कर सकते हैं और उसकी शिकायत कर सकते हैं। अब देखते हैं कि एज ए कंज्यूमर आप किसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। पहला, दुकानदार जिससे आपने सामान खरीदा। दूसरा, कंपनी जिस कंपनी या कंपनी से आपने सामान खरीदा। डीलर जिससे आपने कोई डील की हो। चौथा, सर्विस प्रोवाइडर जिससे आप कोई सर्विस ले रहे हों, जैसे इंटरनेट प्रोवाइडर, केबल आदि। चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर आप शिकायत करते हैं तो आपकी शिकायत में क्या क्या होना चाहिए। शिकायत में शिकायतकर्ता यानी आपका और जिसे आपने सामान लिया, सर्विस ली, उसका एड्रेस होना चाहिए। दूसरा, शिकायत में लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने के लिए डॉक्यूमेंट जैसे कि कैश मेमो, रसीद, एग्रीमेंट आदि सामान आपके पास होना चाहिए। इसलिए फ्रेंड्स, जब भी कोई सामान खरीदें तो उसका पक्का बिल लें ताकि फ्यूचर में ज़रूरत पड़ने पर आप कंप्लेंट कर सकें। तीसरा, इसके लिए आपको किसी वकील की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी शिकायत पर अपने साइन करें और अपनी उसमें फ़ीस जमा करवाएं। फीस आप डिमांड ड्राफ्ट, पोस्टल ऑर्डर आदि के रूप में जमा करवा सकते हैं। आपको शिकायत की 3 कॉपी जमा करवानी होगी, एक ऑफिस के लिए, एक जिसके खिलाफ आप कंप्लेंट कर रहे हैं और तीसरी अपने लिए। शिकायत में आखिर में आपको कोर्ट को यह बताना पड़ता है कि आप कोर्ट से क्या चाहते हैं। जैसे आप सामान चेंज करवाना चाहते हैं, अगर आपका कोई नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई चाहते हैं या कोई कंपनसेशन अमाउंट चाहते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि शिकायत करने के लिए फ़ीस कितनी होती है। यह पूरी फीस का चार्ट है, इसमें आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आपकी फ़ीस लगती है। आपका प्रोडक्ट कितना महंगा था, कितने रुपए का था, उसके अकॉर्डिंग आपको फ़ीस जमा करनी पड़ती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आप कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट कैसे कर सकते हैं। यहाँ आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। पहला यह है कि आप ऑफलाइन शिकायत कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखकर कोर्ट में जमा करवानी होगी। दूसरा, आप फ़ोन करके भी कंप्लेंट कर सकते हैं। आपको दिए गए इस नंबर पर कॉल करना है और अपनी कंप्लेंट दर्ज करवानी है। तीसरा, आप SMS कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर आपको SMS करना पड़ेगा, वो कॉल बैक करेंगे और आपकी शिकायत दर्ज कर लेंगे। चौथा, आप ऑनलाइन कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट कर सकते हैं। उसके लिए आपको consumerhelpline.gov.in की साइट पर जाना होगा। यहाँ आपको नीचे साइन अप का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ आपको रजिस्टर करना होगा। सबसे पहले अपना नाम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड। यहाँ पासवर्ड में आपको स्पेशल करेक्टर लाइक @#, आदि यूज़ करने पड़ेंगे। कंफर्म पासवर्ड, नीचे आपको दोबारा से अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा। यहाँ कैप्चा कोड डालना पड़ेगा और साइन अप करना पड़ेगा। यहाँ ऊपर आपका लिखा हुआ आएगा कि आपको अपनी रजिस्टर्ड आईडी पर वेरीफाई कीजिए, तो आपको एक मेल मिलेगी, वहाँ आपको क्लिक हेयर करके इसे वेरीफाई करना पड़ेगा। फिर आप साइन अप कीजिए। यहाँ अपनी आईडी डालिए, अपना पासवर्ड, कैप्चा कोड और साइन इन कर लीजिए। यहाँ आपको कुछ टॉपिक्स दिखेंगे जिनके लिए आप कंज्यूमर कोर्ट में नहीं एप्लीकेशन डाल सकते, वो है RTI मैटर्स और कोर्ट रिलेटेड कोई केस है, फॉरेन गवर्नमेंट से रिलेटेड रिलीजियस मैटर है, या कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो इन सब के लिए आप नहीं कर सकते। यहाँ आपको आई एग्री पर क्लिक करना पड़ेगा।
और अपनी कंप्लेंट दर्ज करवानी पड़ेगी। यहाँ आपको पूरा फॉर्म मिल जाएगा। यहाँ आपको सबसे पहले कंप्लेंट टाइप लिखना है, यहाँ कंप्लेंट ही रहने दीजिए। यहाँ स्टेट, यहाँ जहाँ से सामान खरीदा उस सिटी, इंडस्ट्री, यहाँ पे आपने जो भी सामान खरीदा है लाइक ई कॉमर्स, अगर ऑनलाइन कुछ लिया है तो ई कॉमर्स के लिए आपको ऑर्डर नंबर होना चाहिए। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वहाँ आपको ऑर्डर नंबर मिल जाता है, जिसे आपको आगे डिटेल्स में बताना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि आपने कहाँ से सामान खरीदा है, डायरेक्ट, ई कॉमर्स, मोबाइल, ऑनलाइन फूड ऑर्डर, ऑनलाइन फार्मेसी, इन सब में से आपकी जो भी रिक्वायरमेंट हो आप उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग का क्लिक कर देती हूँ। यहाँ पे कंपनी, जैसे अगर अपने ऑनलाइन अमेज़ोन से सामान खरीदा तो यहाँ पर आप अमेज़ोन पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे नेचर ऑफ कंप्लेंट, आपको किसके लिए कंप्लेंट करनी है, किस वजह से आप कंप्लेंट करनी है, वो आपको चूज़ करना है। यहाँ आपके पास ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आप जिस कारण से कंप्लेंट कर रहे हैं उसे चूज़ कर लीजिए। यहाँ पे प्रोडक्ट वैल्यू, आपका प्रोडक्ट कितनी वैल्यू का था वो चूज़ करनी पड़ती है। यहाँ पे डीलर नेम, ये आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वहाँ आपको डीलर नेम दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पर ये दिया गया है, आप ये नाम आपको वहाँ पर फिल करना पड़ेगा। कंप्लेंट डिटेल्स में आपको पूरी कंप्लेंट देनी पड़ेगी, डिटेल्स देनी पड़ेगी, आपका ऑर्डर नंबर, आपके क्यों कंप्लेंट कर रहे हैं और आप कंपनी से क्या चाहते हैं। मेनली आप कंपनी से आप रिप्लेसमेंट चाहते हैं, कोई कंपनसेशन चाहते हैं, या जो भी आप चाहते हैं, आपको पूरी डिटेल देनी पड़ेगी और सब कुछ बताना पड़ेगा। नीचे आपके पास ये और डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन आते हैं, यहाँ आप अपने बिल की कॉपी या प्रोडक्ट की फ़ोटो क्लिक करके आप उसके अपलोड कर सकते हैं, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं। यहाँ आप जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसको डालिए और सबमिट कर दीजिए। उसके बाद आप कंप्लेंट हिस्ट्री में जाकर आप सब चेक कर सकते हैं कि आपकी कंप्लेंट का क्या स्टेटस है। यहाँ अभी मैंने कोई कंप्लेंट नहीं किया है तो नो डाटा अवेलेबल आ रहा है, लेकिन अगर आप कोई कंप्लेंट करेंगे तो इसमें आपका स्टेटस और आपकी कंप्लेंट पर क्या एक्शन लिया गया है, आपकी कंप्लेंट कब हुई थी, ये सब डिटेल्स आपको मिल जाएगी। यहाँ आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो अपने इस अधिकार की मदद लें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारी वीडियो को, ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। और अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।